हेलो माय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता। हम दुआ कर रहे हैं कि जो लोग केरला और नैनीताल इस वक्त घूमने गए हैं वो सेफ रहें। और देखो दोस्तों, जब हम कुदरत से छेड़छाड़ करते हैं तो कुदरत को भी गुस्सा आ जाता है। हम छुट्टियां बिताने पहाड़ों पे जाते हैं, मगर पहाड़ छुट्टियां बिताने कहाँ पर जाएं? उनको भी रेस्ट चाहिए, उनको अपना सारा सिस्टम सेट करने के लिए। जैसे हम थक जाते हैं, हमें रात को सोना होता है, हर रात हम सोते हैं, तो जो पहाड़ थक जाते हैं उनको भी तो रेस्ट चाहिए ना। कुछ ऐसे महीने होने चाहिए जब आप पहाड़ों पर बिल्कुल जाएं, पहाड़ थोड़ा रेस्ट करें, थोड़े नए पौधे उगाएं, पेड़ उगाएं, अपने सारे सिस्टम को सेट करें, फिर वो सबको वेलकम करेंगे, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता, लेकर आई हूं टिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माय डियर चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि जादू करके कोई कैसे डब्बे में से कबूतर निकालते हैं, ये जो जादूगर लोग होते हैं। कैसे म्यूजिशियन अपनी पॉकेट में से इतने सारे कलरफुल चीजें निकालते हैं, बलून्स निकालते हैं, मगर कोई इंसान एकदम से एनिमल्स बन जाए? कैन यू बिलीव इट? मैं भी नहीं विश्वास करती। मगर आपको पता है, इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं, जिसको कहते हैं ग्रीन ईटिंग फेस्टिवल्स। वो ऐसे ज़मीन पर लेट जाते हैं और घास पत्ते खाते हैं, जैसे एनिमल्स खाते हैं, जैसे गायें चरती हैं वैसे वो घास खाते हैं। और उनका मानना है कि पूरी साल में एक दिन ऐसे घास खाने से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग बन जाते हैं, डिजीजेस दूर हो जाती हैं। ये उनकी एक धारणा है, ये उनका एक मानना है, और इस वजह से वो सेलिब्रेट करते हैं ग्रीन ईटिंग फेस्टिवल, और वो उस दिन खूब सारा घास भी खाते हैं। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। कभी आपने इमेजिन किया कि हम ह्यूमन बीइंग्स को अगर केज में डाल दिया जाए तो हमारा क्या हाल होगा? अगर हमें कुर्सी से बांध दिया जाए कितने सालों तक, और फिर हमें कहा जाए कि चलो जी भाग के दिखाओ, हम भाग पाएंगे? स्पेन में एक जू था, तो वहां पर अचानक पता नहीं क्या जू जो ओनर थे उनके मन में क्या आया, उन्होंने हजारों जो बर्ड्स थे उनको आजाद कर दिया और फिर उनकी वीडियो बनाने लग गए। अब जो बड़े बड़े पक्षी थे, जैसे ईगल, जैसे कि ऑस्ट्रिच, मतलब वो चल ही नहीं पा रहे थे, और जो ईगल थे वो अपने पंख तो फड़फड़ा रहे थे मगर वो उड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उड़ना भूल चुके थे। हाउ पिटी, ह्यूमैनिटी की क्रुएलिटी तक हम पहुंच चुके हैं। इतने हम क्रूअल हैं कि बर्ड्स को जब हम केजेस में डालते हैं वो एक पिंजरे में अपनी दुनिया बसा लेते हैं, और फिर हम चाहते हैं वो उड़े, वो उड़ नहीं पाते। उड़ना उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिसके हमें बिल्कुल भी, जिसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आज अगर आपके पास भी पिंजरे में कोई छोटा सा बर्डी है, उसको उड़ा दो, उसको उड़ने दो, उसको जाने दो, उसको आसमां छू के आने दो। माय डियर चिल्ड्रन, आप में से कितने बच्चों ने मूवी देखी है गाजी अटैक? उनके कमांडर की जब सबमरीन में डेथ होती है तो वो उसकी डेड बॉडी को सबमरीन से बाहर निकाल देते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हुए। ऐसे ही जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, स्पेस में अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाए तो क्या किया जाता है? उनको स्पेस सूट में अच्छी तरह से पैक करके, एयर पैक करके, उनको जो आर्टिफिशियल आर्म होती है उसके सहारे से उसका जो स्पेस शटल है उसकी खिड़की से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो हवा का पूरा प्रेशर है उसकी वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती है और एशीज में, राख में बदल जाती है, और बाद में उस राख को एक एयर टाइट कंटेनर में बांध के रख दिया जाता है, ताकि जब ये स्पेस शटल वापस धरती पर आएगा तो वो जो खाक है, वो जो एशीज हैं, वो फैमिली को दे दी जाए। वैसे हम दुआ करते हैं कि कोई किसी से कभी ना बिछड़े और ऐसी अनफॉर्चुनेट घटनाएं बिल्कुल ना हो। बड़ा प्राउड आता है अपनी इंडियन आर्मी पे, जो कि देश की रक्षा के लिए ना अपने दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, और अपनी जान की बाजी लगाने से भी वो बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। आपको पता है, इंडियन आर्मी अपने साथ लायन का या टाइगर का यूरिन सुसु लेके चलती है,
उसके पीछे क्या स्टोरी है मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंडियन आर्मी को कोई ऑपरेशन करना पड़ता है किसी जंगल में या बियाबान कहीं बिहड़ में करना पड़ता है, तो दुश्मनों को उनका पता ना चले, इसलिए जब वो जंगल में से निकलते हैं तो क्या होता है कि जो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं और दुश्मनों को पता चल जाता है कि हमारे सोल्जर्स आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी शूज के ऊपर या अपनी पैंट्स के ऊपर थोड़ा सा जो टाइगर या लाइन का सुसू है वो ऐसे छिड़का लेते हैं, स्प्रिंकल कर लेते हैं। उससे क्या है, जो डॉग्स हैं उनको लगता है कि ये जी हमारे आसपास कोई लाइन या टाइगर है, वो डर के भाग जाते हैं, भौंकना तो उन्होंने क्या है। और इस तरह जो हमारी ब्रेव आर्मी है वो अपनी मंजिल को सर करती है, दुश्मनों को हराती है और देश की रक्षा करती है। माय डियर चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि नैनीताल में, केरल में कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और ये सब नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग का। मतलब अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर आने वाला है, मगर अब भी हम एसी चला रहे हैं, फैंस चला रहे हैं। मगर जब छोटे थे तब ऐसा नहीं था ना, क्योंकि तब एक बाइफिकेशन हुई थी, ये सर्दियों के महीने हैं, ये गर्मियों के, ये बरसात के, मगर अब सब मिक्स और हॉचपॉच हो गया है। आपको पता है कि यूएसए में एक स्टेट है जिसका नाम है मैरीलैंड, वहां पर बारिश होने पे टैक्स लगता है और उसको कहा जाता है सीवेज मैनेजमेंट टैक्स। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। थैंक गॉड इंडिया में ऐसा टैक्स नहीं है, नहीं तो हमारी तो सारी सैलरीज इसी टैक्स में चली जाती है ना। माय डियर चिल्ड्रन, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है, मगर उससे पहले एक खुशखबरी आपको बता दूं। वो लोग जो ये खूबसूरत दुनिया नहीं देख सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए स्पेशली अल्ट्रासोनिक रेडिएशन वाले शूज बनाए गए हैं। उसके आगे एक डिवाइस लगा हुआ है जिससे कि इंडिकेट हो जाता है कि कोई आगे बाधा आने वाली है या आप किसी चीज़ से टकराने वाले हैं, और जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड बंदा ये शूज़ पहनेगा तो उसके वाइब्रेशन होगी शूज़ में कि आप टकराने लगे हो, और वो अचानक रुक जाएगा और उसको चोट लगने से अपने आप को वो बचा लेगा। और दूसरी बात आपको जो ये बताना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट कंट्री जापान, इंडिया तो मुझे जान से प्यारा है, आई कैन डू एनी थिंग फॉर माई कंट्री, मगर कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें भी लोगों से सीखनी चाहिए। जापान में वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच जब हुआ था फुटबॉल का, तो वहाँ के लोग इतने पेट्रियोटिक हैं कि उसके बाद पूरे मैदान को वो खुद साफ करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, इस वजह से कि उनका देश साफ सुथरा लगे, है ना। तो चलिए हम भी अपने देश के बारे में ऐसा ही सोचें। अब इस खूबसूरत खूबसूरत गार्डन से हम लेते हैं विदा, आपको मिलूंगी कल लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप अपना ध्यान रखना, फेस्टिविटीज मनाना, और जब दिवाली की शॉपिंग के लिए जाना है तो रोड साइड पे जो बुजुर्ग अंकल आंटी बैठे होते हैं ना, उनसे दिए, फूल, मोमबत्तियाँ जरूर लेना, और इस बार अपने मम्मा की पूरी डस्टिंग में हेल्प करवाना, क्योंकि फिर मम्मा पापा आपको लेके देंगे प्यारा सा बढ़िया सा गिफ्ट। ठीक है, बाय बाय।